एज़ आई टूर लि दैट डिसाइडेड टू यू नो लिव इज बर्थ प्लेस एंड उन्होंने ये जिंदगी में फैसला किया था कि वो ये हिंदुस्तान चली जाएंगी और वहाँ जाके uh, गरीब लोगों की जो है वो मदद करेंगी एक मिशनरी बन के शीना डिसाइडेड टू लिव होम बिकम एन ओन लीड ए लाइफ ऑफ पावर्टी एंड चेस्टी एंड सर्व दीपल तो उसने अब डिसाइड किया कि वो घर छोड़ देगी और वो एक नून बनेगी नून मीनस ए रिलीजियस ए वूमेन इन रिलीजियस ऑर्डर एक इसको ईसाई राइवा बोलते हैं जो एक औरत मिशनरी हो जाए और फिर वो ख़ुद को डेडिकेट करे लोगों की खिदमत के लिए या अपने मज़हब के फैलाव के लिए तो उसको हम नून कहते हैं तो उसने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था कि वो घर छोड़ के जो है शी वी लीड ए लाइफ ऑफ पावर्टी और वो एक यू नो लाइफ ऑफ सिम्पलिसी एक 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 सादगी की जिंदगी गुजारेंगे खुद भी एक सारी लग्जरीज को साइड करके एक ख़ुद भी एक गुरबत की और चेस्टिटी की मींस पाकिजगी या पाक दामनी जिसको हम कहेंगे प्योरिटी तो उस तरह की जिंदगी गुजारेंगे चेस्टिटी एंड 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 सरो पीपल और वो लोगों की जो है वो खिदमत करेंगे उसने ये डिसीजन ले लिया शी नाउ ना शी हैड हैड्सो रिजोल्व दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर दैट वॉज टू बी द मिशन ऑफ हर लाइफ उसने ये भी रिजॉल्व किया उसने ये भी आ, इरादा कर लिया एक आज़म किया एक मुसम इरादा किया दैट मीन्स शी मेड अ माइंड शी मेड ऑफ अ माइंड कि वो हिंदुस्तान में कोलकाता चली जाएंगी और कोलकाता जाके वो गरीब से गरीब तर लोग जो हैं उनके बीच रह के उनकी खिदमत करेंगे उनकी मदद करेंगे और ये लोगों की खिदमत करना गरीबों और नादारों की ज़रूरतमंदों की मदद करना दिस वॉज गोइंग टू बी द मिशन ऑफ अ लाइफ ये उसकी ज़िंदगी का एक खास मकसद बन गया था एक एम बन गया था उसकी लाइफ में कि अब मुझे हिंदुस्तान जाके कोलकाता में रह के गरीबों की मदद करनी है एज अज प्रपरेशन ऑफ अ रियल मिशन शी वेंट टू आयरलैंड एंड जॉइन द कॉन्वेंट द सिस्टर्स ऑफ फ्लोरिटो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल तो इसने क्या किया तैयारी के तौर पे अपने इस असली मकसद को हासिल करने के लिए कि वो एलैंड चली गई और वहाँ पे उसने कॉन्वेंट ज्वाइन किया जो उनका जो एक तरह से जो रिलीजस स्कूल था उनका यानी ईसाइयों की जो खानका थी या पाद्रियों की जो सोसाइटी थी उस एक एक स्कूल था एक इंस्टीट्यूशन था वहाँ ये चली गई फॉर ट्रेनिंग ताकि ये वहाँ पे इंग्लिश सीख सकें और ये जब जिन लोगों की खिदमत के लिए जाएँ उनके साथ बात कर सकें उस कॉन्वेंट का इस इंस्टीट्यूशन का नाम था द सिस्टर्स ऑफ लॉरीटो ये एक इंस्टीट्यूशन है फ्रांस के अंदर जो कि इनके मेंबर्स को जो वुमेन मेंबर्स हैं इनको लारीटो सिस्टर्स कहा जाता है एक एक रोमन कैथोलिक रिलीजस रिलीजन में है सो so, एक या रोमन कैथोलिक कॉन्ग्रिगेशन हम इसको कहेंगे जो कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बनाया गया था एंड इट वाज फाउंडेड बाय बाय एन इंग्लिश वमेन उसका मेरी वार्ड नाम था ये सिक्सटी नाइन में ये इस्टेबलिश किया गया था ये सिस्टर्स ऑफ लॉरिटो तो ये वहाँ पर इंग्लिश सीखने चली गई बिफोर शीवेंट टू बंगाल यानी बंगाल जाने से पहले यह आयरलैंड में इस कॉन्वेंट स्कूल में इस कॉन्वेंट इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सीखने के लिए चली गई थी एग्नीज अराइव इन कोलका इन नाइनटीन टवेंटी नाइन एंड वॉज सेंट बर ऑर्डर टू दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल टू बिगिन हरिशिएट तो एग्नीज जो है कोलकाता में नाइनटीन ट्वेंटी नाइन में पहुंची और वो जो आ, उसका जो ऑर्डर था एक तरह से उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे यहाँ पे ऑर्डर का मतलब होता है जमात एक ऑर्गेनाइजेशन जो जिसको उन्होंने जॉइन किया था तो शी वॉज सेंट टू दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल टू हर नॉविशिएट यानी कि नॉविशिएट मींस बिगिनर नॉविशिएट मींस न्यू कमर जो एक नया स्टूडेंट होता है क्योंकि ये नई नई हिंदुस्तान में आई थी इसलिए ट्रेनिंग के लिए uh, इट वॉज़ द पीरियड ऑफ स्टडी एंड प्रायर विच एवरी नोन मास्टर अंडर गो बिफोर शी बिकम बिफोर शी फाइनली बिकम्स ए नोन एट द कॉन्वेंट तो यहाँ पर यह शर्त रखी जाती थी कि जो भी कोई ये सारी चीज़ें ये नोन बनने के लिए आ जाएगा उसको पहले थोड़ा एक स्टडी करनी पड़ेगी उसको प्रायर्स वगैरह करनी पड़ेगी उसको सीखना पड़ेगा तो ये सारी चीज़ें इनको करनी थी और ये कॉन्वेंट में करनी थी अपार्ट फ्रॉम प्रायर्स शी स्पेंड अर टाइम Here in learning Hindi and Bengali so that she could speak to the people with whom uh, people whom she had come to serve. तो यहाँ पे prayers के साथ साथ study के साथ साथ उन्होंने जो है हिंदी और Bengali भी यहाँ पे सीखी ताकि वो उसको उन लोगों के साथ बात करने में आसानी हो जिन लोगों की खिदमत करने के लिए वो अपने वतन से यहाँ चली आई दैन शी began टू टीच इन स्कूल्स रन बाई द सिस्टर्स ऑफ लॉरिटो फर्स्ट एट दार्जिलिंग फर्स्ट एड दार्जिलिंग दैन एट कोलकाता उसके बाद इन्होंने क्या किया इन्होंने जो है यहाँ पे पढ़ाई शुरू करी ये जो सिस्टर्स ऑफ लोरीटो का ही एक इंस्टीट्यूट था इसी इंस्टीट्यूट में आ, उन्होंने तालीम देना लोगों को शुरू किया पहले दार्जिलिंग में उसके बाद कोलकाता में ये दोनों जो हैं ये वेस्ट बंगाल में, में पढ़ते हैं दार्जिलिंग भी और कोलकाता भी शी टू खर फाइनल नोन इन नाइनटीन थर्टी सेवन एंड एज्यूम बिकॉज दैट वॉज द नेम ऑफ द पैटर्न सेंट ऑफ मशीनरीज तो फाइनली ये सारी आ, ट्रेनिंग कोर्स ख़त्म करने के बाद ये जिन भी इम्तहानत से उनको गुजरना पड़ा ये सब ख़त्म करने के बाद तो फाइनली वो जो है 1937 में सेवन में शिटुक फाइनल वाउस यानी कि उसने वो अव ले लिया वो वो प्रामज ले लिया वो वादा किया 1937 में और इस इसका एक नाम इसने खुद रखा या इसको इसका रखा गया वो टेरेसा था क्योंकि इनका जो पैटर्न सेंट था मेशीनरीज का इनके जो ये प्रीचर्स थे उनका जो पैटर्न था उनका जो सरपरस्त रह चुका था उसका नाम टेरेसा था तो उसके नाम पर इसने भी अपना नाम जो है वो टेरेसा रखा वाइल टीचिंग द इंडियन स्टूडेंट इंडियन गर्ल्स स्टूडेंट फ्राम एफिल्स एट एस टी मेरेज स्कूल कोलकाता सिस्टर टेरिसा एस यूज नो कॉल कुट Keep her eyes away from the desperately poor and homeless who lived on the streets of the city in slums.